दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सोनी ब्रांड के कुछ लेटेस्ट स्मार्ट टीवी के मॉडल के बारे में जो ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल है। और दोस्तों अभी दो तीन दिन पहले ही मैं गया था कुछ अपने पास के कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जहां पर सोनी के पर्टिकुलर लेटेस्ट स्मार्ट टीवी वहां पर रखे हुए थे, और मैंने सोचा कि चलिए उसका डिटेल में कुछ स्पेसिफिकेशन जानते हैं और देखते हैं कि उसका ओवरऑल पिक्चर की क्वालिटी कैसी है, साउंड की क्वालिटी कैसी है। साथ ही अगर मैं स्मार्ट टीवी अगर मैं खरीद रहा हूं तो मुझे ओवरऑल जो है सर्विस मुझे कैसा मिलने वाला है, या फिर मैं फाइनेंस में अगर मुझे चाहिए तो हमें क्या क्या ऑप्शन वहां देखने को मिलेगा। ये सारा कुछ मैंने दोस्तों काफी रिसर्च किया वहां पर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो ये सभी चीज जो है मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आपको दोस्तों सोनी का कोई लेटेस्ट स्मार्ट टीवी खरीदना है तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बिना स्किप के वीडियो को आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मेरा नाम है अमन जायसवाल और आप देख रहे हैं आपका चैनल Tech247। तो चलिए अब जान लेते हैं सोनी ब्रांड के कुछ लेटेस्ट मॉडल के बारे में जो ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल है। जी 43 और 50 दोनों बताइए ना। 50 का ये साइज है और 43 का ये साइज है। सोनी है मुझे बताइए। हाँ सोनी में नहीं जाएगा ना, 50 के तो 43 दोनों। कौन सा ये मॉडल नंबर है? 75। X75। हाँ X75 इसमें एक जीरो क्या है। हाँ इसमें लेटेस्ट मॉडल में कौन सा है? ये X75। तो दोस्तों वहां ब्रांड स्टोर में मुझे जो पहला मॉडल दिखाया गया वो था सोनी का 70K। माफ करना मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं। और ये दोस्तों एक लेटेस्ट मॉडल है 2022 का, और ये लॉन्च हुआ है 2022 मई में। और इस टीवी का दोस्तों खास बात मुझे ये लगी कि पहला दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। और इसके अलावा दोस्तों मुझे जो दूसरा मॉडल जो दिखाया गया वो था सोनी का 80K। तो ये जो दोनों मॉडल दोस्तों आप देखेंगे, सोनी का 75K और 80K, पिछले साल जो दोस्तों कंपनी ने लॉन्च किया था, मतलब 2020 में लॉन्च हुआ था ये, वो था सोनी का 80J। और ये जो था 75 जो था वो था 75K जो था वो पहले लॉन्च हुआ था, 75 उन्होंने जे लॉन्च किया हुआ था। तो अभी इन्होंने जो है एक अल्फाबेट जो है इन्होंने एक्सटेंड करके नया मॉडल इन्होंने लॉन्च किया। हालांकि आपको ज्यादा कुछ आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा मोड़ा आपको पिक्चर की क्वालिटी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी पिछले साल के दोनों ही मॉडल में। तो पहले जान लेते हैं कि 80K और 75K में क्या डिफरेंस है। दोस्तों 75K और 85K ऑलमोस्ट आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको 75K में जो है थोड़ी सी पिक्चर की क्वालिटी आपको थोड़ी सी 80K से जो आपको थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अदरवाइज जो है पिक्चर जो है ऑलमोस्ट दोनों में ही आपको जो है क्लैरिटी पिक्चर आपको मिलने वाली है। पिक्चर में काफी अच्छा आपको जो है यहां पर क्रिस्टल क्लियर जो है आपको वहां पर कॉन्ट्रास्ट आपको मिलने वाला है, आपको जितने भी आप जो दोस्तों डिस्टेंस से देखेंगे, लेकिन आपको डिस्टेंस का कोई ऐसा फर्क नहीं समझ में आएगा कि मान लीजिए लॉन्ग डिस्टेंस से भी अगर आप देख रहे हैं तो आपको ऐसे पिक्चर कोई हेजीनेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों साउंड की क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी लगी, और 80K में जो दोस्तों थोड़ा सा साउंड क्लैरिटी आपको काफी अच्छा मिलेगा, और साथ ही दोस्तों जो एम्बिएंट जो साउंड एडजस्टमेंट करने का जो फीचर है वो आपको 80K में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको 75K में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। अब ये दोनों ही मॉडल जो 80K और 75K ये मई 2022 में ये सोनी ब्रांड ने लॉन्च किया है, और इसी साल का लेटेस्ट मॉडल है। साथ ही दोस्तों ये जो पर्टिकुलर जो मॉडल है इसमें आपको 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच तक का भी आपको ये स्मार्ट टीवी मिलने वाला है। लेकिन मैंने जो यहाँ पर 43 इंच और 50 इंच में स्मार्ट टीवी देखा, लेकिन मुझे कुछ दोस्तों ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा दोनों ही स्मार्ट टीवी में। थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस है, यानी कि 80 जो के है उसका प्राइस थोड़ा सा आपको 10-15 हज़ार आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी देख ले जान लेते हैं कि इन दोनों में जो है आपको डिफरेंस एक्चुअली क्या है। तो दोस्तों यहां पर जो है 80K में जो है वहां पर ट्राई ल्यूमिनस डिस्प्ले आपको मिलता है, वो प्रो ट्राई ल्यूमिनस डिस्प्ले मिलता है। साथ ही दोस्तों यहां पर
आपको एम्बियंट साउंड एडजस्टमेंट करने का भी आपको फीचर मिलता है। अभी ये जो एम्बियंट साउंड एडजस्ट करने का थोड़ा जो फीचर है दोस्तों, वो ये कैसा है कि आप जिस भी रूम में रखते हैं, मतलब जितने भी बड़े आपका रूम का साइज है, उसके साइज के हिसाब से आपका जो टीवी का साउंड वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। साथ ही 80K में जो है आपको वायरलेस वॉइस सर्च का फीचर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि दोस्तों आप बिना रिमोट के जो है वॉइस कमांड से जो है अपने टीवी को आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये चीज जो है, तीन चीज जो है आपको एडिशनल यहां पर 80K में देखने को मिलेगी, जो कि 75K में नहीं है। लेकिन दोस्तों पिक्चर की क्वालिटी ऑलमोस्ट मुझे सिमिलर देखने को मिली 12 ल्यूमिनस डिस्प्ले होने के कारण, थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्रास्ट में आपको डिफरेंस मुझे देखने को मिला 80K में। साउंड की क्वालिटी थोड़ी डिफरेंस देखने को मिलेगी, यानी कि जो है एम्बियंट साउंड का एडजस्टमेंट करने का फीचर नहीं है 75K में। साथ ही दोस्तों यहां पर वायरलेस वॉइस सर्च का फीचर मुझे देखने को नहीं मिला 75K में। तो ये दो तीन चीजें हैं, तो ये इसके कारण ही जो है 10-15 हजार जो है थोड़ा सा 80K का प्राइस थोड़ा ज्यादा है। और ओवरऑल दोस्तों मुझे तो दोनों ही मॉडल काफी पसंद आए, 43 इंच से लेकर 65 इंच के मॉडल में ये सारे स्मार्ट टीवी आपको, सॉरी ये दोनों ही मॉडल जो है आपको मिलने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये जो फाइनेंस में भी ये अवेलेबल है, वैसे रिटेल स्टोर में दोस्तों कुछ फाइनेंस का जो फीचर है वो अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको आपको जो है 5 से 6 महीने का यहाँ पर आपको ओवरऑल जो फाइनेंस का फीचर मिलता है, या फिर अगर आपको मान लीजिए दूसरा कोई फाइनेंस का ऑप्शन अगर वहाँ पर रिटेल स्टोर में से बजाज का आपको फाइनेंस का ऑप्शन मिलता है, तो उसमें कुछ आपको 12 महीने का भी शायद ऑप्शन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ये खरीदते हैं अमेजोन में, तो वहाँ पर आपको कुछ 24 महीने का, 2 साल का आपको जो है यहाँ पर फाइनेंस का आपको फीचर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप जो है यहाँ पर 2 साल तक जो है आप, अगर आपके पास बजट मान लीजिए कम है, हर महीना मान लीजिए आप जो है इंस्टॉलमेंट आप कम देना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। हालांकि प्राइस में ज़्यादा कुछ मुझे डिफरेंस देखने को नहीं मिला, कुछ 1000-2000 का डिफरेंस मुझे देखने को मिला जो ऑफलाइन स्टोर से ऑनलाइन स्टोर में, और ऑफलाइन में थोड़ा सा मुझे कम प्राइस मुझे देखने को मिला, मतलब जैसा मैंने बताया आपको 1500-1000 रुपये थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और अलग अलग जो है स्टोर में जो है आपको अलग अलग थोड़ा वहाँ पर उनका ऑफर भी चलता रहता है, जैसे मान लीजिए 15 अगस्त का कुछ ऑफर चल रहा है वहाँ पर, साथ ही दोस्तों मान लीजिए दिवाली में या फिर अभी दशहरे में जो है कुछ ऑफर आने वाला, तो अलग अलग जो ब्रांड के स्टोर जो है वो अलग अलग ऑफर लेके आते रहते हैं। और ये था दोस्तों मेरा पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैंने जो है पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने इसीलिए किया कि मैं जान सकूं कि फिजिकल स्टोर में जो है कैसा कौन कौन सा मॉडल अवेलेबल है, ताकि मैं आपको डिटेल में बता पाऊं कि आप जो हमारे ऑडियंस है आप जान पाए कि जो ऑफलाइन मार्केट है वहां पर कौन सा लेटेस्ट मॉडल है जो कि आप जाके खरीद सकते हैं, क्योंकि यहां पर ऑनलाइन तो बहुत सारे मॉडल्स है लेकिन हमें पता नहीं चलता है कौन सा लेटेस्ट मॉडल। लेकिन यहां पर जो हमें दोस्तों पर्सनल एक्सपीरियंस किया, हमने जाना कि क्या है कि ओवरऑल हमें पिक्चर की क्वालिटी कैसी है पर्सनल हमें देखने को वहां पर मिला, साउंड की क्वालिटी कैसी है। वैसे दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने कोशिश किया कि थोड़ा सा अलग तरीके का आपको मैं वीडियो दूं, थोड़ा सा मैं स्टोर में जाके मैं आपको बताऊं कि ऑफलाइन मार्केट में जो है किस तरीके का जो अलग अलग जो है स्मार्ट टीवी हो गई या फिर दूसरे अलग अलग गैजेट हो गए, उसके कौन कौन से मॉडल्स है, किस प्राइस सेगमेंट में वो अवेलेबल है, और वहां पर जो है मुझे पर्सनली क्या एक्सपीरियंस मिला, ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले वीडियो में स्मार्ट टीवी के साथ साथ बाकी दूसरे एक्सेसरीज का भी और बाकी दूसरे गैजेट का भी बताऊं। तो आपको दोस्तों कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और इस तरीके दोस्तों हमारे नए नए वीडियो के लिए इस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो काफी देर बने रहने के लिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।